everyone, welcome back to my channel. And today I'm going to review this NY Bay liquid eyeliner in eagle eyes. इसके दो variant हैं, एक skyliner है और एक eagle eyes है. मेरे पास eagle eyes वाला है, जो कि ऐसा है. And मैंने इसको purple.com से लिया था 108 rupees में. इसकी MRP है 135 rupees. और अब मैं आपको इस product का थोड़ा सा description देना चाहूँगी. इसकी स्लिम पैकेजिंग है, ब्लैक कलर की बॉटल में आता है, ऐसे ही आता है ये. एंड इसमें आगे बॉटल पे NY Bay लिखा हुआ है और दैट्स इट. इसमें और कोई भी कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ. एज यू कैन सी, इसमें और कोई डिटेल्स नहीं दी है. और एक ये बार कोड लगा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ कुछ ही देर में. ओके, ये मैट आईलाइनर है ब्लैक शेड में. इसमें और कोई शेड नहीं आता, आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी वेबसाइट इसमें देखी थी. तो इसमें सिर्फ ब्लैक शेड ही है अभी तक अवेलेबल है. इसका एप्लीकेटर कुछ इस तरीके से है और ये मैट फिनिश में है. ये ड्राई डाउन होने के बाद ये मैट में हो जाता है. एंड ये बिल्कुल ही जेट ब्लैक आईलाइनर नहीं है. आप देखिए, बिल्कुल जेट ब्लैक आईलाइनर नहीं है जब आप इसको अप्लाई करने लगेंगे तो. नाउ मैंने अपनी डायरी में इसके सारे प्रोज एंड कॉन नोट कर रखे हैं, ताकि मैं आपको डिटेल से इन सब के बारे में बता सकूं. अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोज डिस्कस कर मैं बता देती हूँ. ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है. 108 रुपीज़ में है और 108 रुपये में है, तो मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है. अगर आप को जो है आप कॉलेज जाते हैं या आप इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते किसी भी आईलाइनर पे, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं स्पेंड करना चाहते, तो ये एक ठीक ठाक आईलाइनर है. ये जो है आप इसको ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं और ये सिर्फ purple.com पे ही अवेलेबल है. ये बाकी और किसी ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं होगा, ना ही ये ऑफलाइन अवेलेबल है. ये सिर्फ purple.com पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है. और इसकी वेबसाइट पे ऑर्डर करते टाइम मैंने ये देखा था कि इसमें जो है इसको आप 4 घंटे तक, ये इसमें लिखा हुआ था कि 4 आवर्स तक ये रहेगा. तो ये क्लेम मेरे को सही लगा, बट कुछ टाइम बाद अगर आपका काफ़ी स्वेटी डे है आपका, और मतलब आपको काफ़ी स्वेट होता है, या आप एसी में नहीं बैठते, तो आपको ये और भी ज़्यादा जल्दी जो है आपका रिमूव हो जाएगा. ये पार्शियली मेरे को लगा कि स्मज प्रूफ है, बट एक बार अगर अगर आपको स्वेट आता है, ज़्यादा आता है, तो आपका जो है ये जल्दी जल्दी छूटने लगेगा. आपका ये 3 घंटे 4 घंटे भी नहीं टिकेगा, और उससे पहले ही आपका ये जो है छूटने लगेगा. नाउ कमिंग टू द कॉन्स, काफ़ी सारे मैंने इसमें कॉन्स लिख रखे हैं अपनी डायरी में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, कोई प्रोडक्ट इन वो क्या है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, कुछ भी नहीं है. इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं है, ना इसकी कैप पे है, ना इसकी बॉटल पे है, और इसका कार्डबोर्ड नहीं आता साथ में, ये ऐसे ही आएगा. ठीक, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना इसकी एक्सपायरी डेट है. मैंने जो है कॉल सेंटर में आज कॉल किया था, तो मेरे को पता चला इसकी एक्सपायरी है 2021. और जो ये बारकोड दिया हुआ है, ये मैंने अपने बारकोड स्कैनर से स्कैन किया था, तो उसमें जो है इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा था. इसमें लिख कर आ रहा था इट डिड नॉट मैच एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. और ये जब फिर मैंने पूछा कि ये आपने जो बारकोड दिया है ये शो नहीं कर रहा, मतलब मैंने स्कैन किया था, तो उन्होंने जो ऑनलाइन जो रिप्रेजेंटेटिव थे कस्टमर केयर के, उन्होंने कहा कि सिर्फ वही लोग इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं, उन्हीं की कंपनी से निकला है, वही लोग स्कैन कर सकते हैं. इट इज़ अ रियली बिग ड्रॉबैक फॉर मी, क्योंकि कोई भी आप ऑनलाइन आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन देयर पैकेजिंग. आप इसमें MRP भी नहीं लिखी है, ना ही कुछ प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एक्सपायरी नहीं है. आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप इसको सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, सो यू शुड, आपको कम से कम कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं आपको वो देनी ही चाहिए. जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग देखनी है या एक्सपायरी देखनी है कि कब एक्सपायर हो रहा है, आप हर इंसान कॉल सेंटर पर कॉल नहीं करेगा,
दैट्स वाई मेरे लिए काफ़ी बड़ा ये ड्रॉबैक है, बिकॉज सीरियसली बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ठेले पे सामान बेच रहा हो, तो वही वाली हालत लगी मुझे इसकी. मुझे उससे ज़्यादा आई मीन सीरियसली, आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो यू शुड कीप इन माइंड कि आप क्या बेच रहे हो. ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि ये स्वेट प्रूफ नहीं है आपका. अगर आपको स्वेटिंग होती है तो आपका ये इजीली रिमूव हो जाएगा, काफ़ी जल्दी रिमूव हो जाएगा. और दूसरी चीज़ ये मेरे को काफ़ी ये लगा कि आप इसको जो है आपको इसको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा. आपको ये एकदम जेट ब्लैक नहीं लगा, क्योंकि अप्लाई करते टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सेस प्रोडक्ट होता है वो रिमूव कर लेते हैं उसके एप्लीकेटर से. बट इसमें जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इसको एक या दो बार, तो इसको एटलीस्ट दो बार एटलीस्ट अप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि आपको पे ऑफ मिले, कलर का पे ऑफ मिले. दैट्स वाई अगर आप बिगनर हो और आप नहीं स्पेंड करना चाहते बहुत ज़्यादा मनी कि एक आईलाइनर पे, आप ट्राई कर रहे हो, देख रहे हो कि आपके ऊपर आईलाइनर क्या अच्छा लग रहा है, आप ट्राई कर रहे हो और ट्राई करने आप चाहते हो कि आपके इतना ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते या नहीं चाहते आप स्पेंड करना, तो ठीक है. बट अगर आप लगा रहे हो आईलाइनर डेली और आपको बाहर की जॉब है, आपकी एसी में नहीं बैठ रहे हो, तो फिर ये आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू. और अगर मैं आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको बाय करिए, बिकॉज जब इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स नहीं दी हुई है, आप 108 रुपीस ही लगा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगा रहे हैं, बट आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो क्लेम करता है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ टू बाय दिस प्रोडक्ट. आप इसको बाय करने की जगह आप कुछ और ले लीजिए, मेबलिन का हाइपर ग्लॉस ले लीजिए, वो भी थोड़ा इससे एक्सपेंसिव है बट काफ़ी अच्छा है, उससे काफ़ी टाइम तक रहता है, पूरा दिन चलता है, स्मज प्रूफ भी है. तो इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू बाय. और सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन द प्रोडक्ट NYBay ईगल आई. आप ये अब आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हो या नहीं चाहते, बट आई वोंट रिकमेंड दिस टू बाय बिकॉज मेरे को ये इतना समझ में नहीं आया. अगर आपको एक चीज़ का एप्लीकेशन आईलाइनर, स्पेशली आईलाइनर, लिपस्टिक भी नहीं, आपको अगर स्पेशली आईलाइनर का अगर एक से दो बार आपको एक से ज़्यादा अगर बार आपको अप्लाई करना पड़े तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपको इवन आउट करने के लिए. सो आई थिंक विच इज़ दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग ड्रॉबैक फॉर मी. सो गाइज, आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो और आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाई.